So let's begin. We are discussing next disorder, that is a thalassemia. थैलेसीमिया जो है उसमें हमने देखा था कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो बीटा चेन है वो एबनॉर्मल बन रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, लेस हीमोग्लोबिन। बस याद रखो क्या डिफरेंस क्या है, वहां पे बीटा चेन एबनॉर्मल बनती थी, यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम बन रहा है थैलेसीमिया में। सो थैलेसीमिया में क्या है, दिस इज अ लेस फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो कम हो रही है। मेरी बात सब याद रखना, डिफरेंस है यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछेगा सिकल सेल एनीमिया में क्या है, तो आप बोलोगे वहां पे बीटा चेन्स एबनॉर्मल है, वहां पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। सो व्हाट विल बी दैट टाइप ऑफ एनीमिया, वेदर इट विल बी अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? इट विल बी अ क्वालिटेटिव, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन नहीं है। एंड व्हाट विल बी दिस, लेस फॉर, इट विल बी अ क्वांटिटेटिव। ये पॉइंट आप याद रखो, क्योंकि पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे डिफरेंस क्या है सिकल सेल एनीमिया में, इनमें कौन सी क्वालिटेटिव कौन सी क्वांटिटेटिव है, ठीक है? वो चीज आप लिख सकते हो आगे जाके, ठीक है? अभी मैं आगे जाके इसको डिफरेंशिएट कराऊं। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, एचबी की बात करेंगे, ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। किनसे? इट्स फॉर्मड ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हमने देखा कौन कौन सी चेन से, हमने बोला दो अल्फा है और हमने बोला दो बीटा है, और जब हम इनको रिप्रेजेंट करते तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते, दिस इज व्हाट अल्फा वन और दिस इज ए बीटा वन, दिस इज ए अल्फा टू एंड दिस इज ए बीटा टू, जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। किनको? फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स को। अब बनते कहां से? तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम बीटा चेन की बात करेंगे, इसके जो अलील्स हैं दे आर लोकेटेड ऑन 11th क्रोमोसोम, और 11th क्रोमोसोम समझ लो ये हमारे पास 11th क्रोमोसोम है, पेयर है होमोलॉगस, हमने बोला ये 11th क्रोमोसोम है, और यहां पे हमने देखा था अलील्स लोकेट है, ये समझ लो आप हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलील्स लोकेट है यहाँ पे, दीज आर एलील्स व्हिच आर लोकेट हियर, हमने देखा एलील्स है यहाँ पे, ठीक है? और ये एलील्स किसके लिए रिस्पांसिबल है, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द बीटा चेन फॉर्मेशन। तो हमने बोला इस एलील को भी हमने बोला एच बी व्हाट, एच बी बी, इसको भी हमने बोला एच बी बी, क्योंकि व्हाट, बोथ ऑफ द एलील्स आर फॉर्मिंग द बीटा चेन। और अगर ये इनमें ऐसी म्यूटेशन आ जाए, मेरा पॉइंट सब याद रखना, इनमें ऐसा म्यूटेशन आ जाए कि ये बीटा चेन के सिक्रीशन कम कराएंगे, एक होता है कि एबनॉर्मल बनाना, दूसरा होता है ऐसी म्यूटेशन आ गई कि बीटा चेन की सिक्रीशन कम हो गई, ये बनती है लेकिन बहुत कम बनती है, देन अगर यहाँ पे एबनॉर्मलिटी आएगी इट विल बी कॉल्ड एज बीटा थैलेसीमिया। व्हाट विल बी कॉल्ड एज? बीटा थैलेसीमिया। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ऐसी म्यूटेशन आ गई यहाँ पे कि बीटा चेन कम बन रही है आरबीसी में, तो हम बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया हो गया। अब ये कितने एलील्स हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे दो एलील्स हैं, किसके लिए रिस्पांसिबल, बीटा थैलेसीमिया, बीटा चेन बनाने के लिए, और अगर इनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो बीटा थैलेसीमिया हो सकता है। हमारे पास और एक क्रोमोसोम है, चलो आगे चलते हैं, दिस इज अ क्रोमोसोम 16, व्हाट इज दिस क्रोमोसोम 16, ये समझ लो 16th पेयर है होमोलॉगस। अब यहाँ पे भी एलील्स लोकेट है, आप समझ लो यहाँ पे एक एलील लोकेट है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ठीक है बेटा? इसको बोलते हैं हम एच बी ए वन, इसको भी क्या बोलोगे, एच बी ए वन, ठीक है ना, सेम होता है। इसको क्या बोलोगे, एच बी ए टू, इट्स योर स्मॉल बी हीमोग्लोबिन, एच बी, सॉरी, व्हाट इज दिस, एच बी A1, what is this? HbA1. Similarly, HbA2, HbA2. मेरी बात सब सुनो। असल में अगर आपसे कोई पूछेगा कि जब हम हीमोग्लोबिन नॉर्मल बनाते हैं, अल्फा चेन एंड बीटा चेन, इनके लिए कितनी लोकस रिस्पॉन्सिबल है, तीन लोकस है, वन लोकस कहाँ पे है, 11th क्रोमोसोम पे, और बाकी दो कहाँ पे है, अगर आपसे पूछा जाएगा इनको बनाने के लिए कितने एलील्स रिस्पांसिबल है, 6 एलील्स। तो अगर मैं ये पॉइंट पहले आपको क्लियर करूं, बाद में आगे चलते हैं हम,
तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमें बताओ नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, नॉर्मल की मैं बात करूं अभी, तो मैं नॉर्मल ही बताऊंगा, तो आप बोलोगे हमारे पास 3 loci एंड 6 alleles responsible for HB formation. ये है? Yes, sir. 3 loci एंड 6 alleles. इसमें जो 1 loci जो है वो कहां पे है? 1 locus कहां पे है? 11th क्रोमोसोम पे. 11th क्रोमोसोम पे. और वो क्या बनाती है मुझे बता? बीटा चेन्स. ये है ना? और 2 locus कहां पे है? 16th. वो है 16th क्रोमोसोम पे. ये है ना जो मैं बता रहा हूं? और वो क्या बना रही है? अल्फा चेन्स. इस तरह हमारे पास क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन. तो मैंने आपको बताया अगर ऐसी म्यूटेशन होगी इन 2 alleles में जो 11th क्रोमोसोम के ऊपर है कि बीटा के बीटा चेन्स की कंसंट्रेशन कम होगी, देन इट मे रिजल्ट इन डिसऑर्डर दैट विल बी कॉल्ड एज बीटा थैलेसीमिया. अब अगर अल्फा चेन्स पे ऐसा डिफेक्ट हो गया कि अल्फा चेन्स की कंसंट्रेशन भी कम होगी, देन इट मे रिजल्ट इन व्हाट डिसऑर्डर दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा थैलेसीमिया. व्हाट विल बी दैट कॉल्ड एज? अल्फा थैलेसीमिया. एंड ऑल टुगेदर वी कॉल दिस डिजीज एज थैलेसीमिया. ऑल टुगेदर हम क्या बोलते हैं इसको बेटा? थैलेसीमिया. मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया उससे क्या होगा अगर अल्फा चेन्स कम बनेंगी बीटा चेन्स कम, उससे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बॉडी के अंदर, पर्सन फील करेगा एनीमिया. इसमें भी वैसे ही होगा, सेम टू सेम. लेकिन इसमें याद रखो कि शेप चेंज नहीं होगी इसमें, उसमें तो शेप चेंज हो रही थी. तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो थैलेसीमिया है यहाँ पे क्या होता है? लेस फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाता है. और आप याद रखोगे 3 loci 6 alleles रिस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए. उसमें 1 locus जो है वो 11th क्रोमोसोम पे है और वो क्या बनाती है? बीटा चेन बनाती है. उसमें 2 locus जो है वो 16th क्रोमोसोम पे और वो बनाती है अल्फा चेन. अगर ऐसी म्यूटेशन हो जाए कि बीटा चेन कंसंट्रेशन कम हो जाए तो बीटा थैलेसीमिया होगा. अगर ऐसी म्यूटेशन आ जाए कि अल्फा चेन की फॉर्मेशन जो होगी वो कम होगी, देन इट मे लीड टू द अल्फा थैलेसीमिया. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे और एक पॉइंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये लिख सकते हैं हम कि हमारे पास 2 तरह का है थैलेसीमिया. और थैलेसीमिया होता क्या है? अगर हीमोग्लोबिन कम फॉर्म होता है तो क्या हो जाता है? देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी. रिजल्ट्स एनीमिया. होगा क्या बेटा? बंदे को हो जाएगा एनीमिया. रिजल्ट्स एनीमिया. लेस कंसंट्रेशन. दूसरी बात लिखो आप साथ ही, अगर बीटा चेन्स की कंसंट्रेशन कम हो गई, इफ बीटा चेन फॉर्मेशन डिक्रीजेस इट रिजल्ट्स बीटा थैलेसीमिया. क्या होगा बेटा? बीटा थैलेसीमिया. म्यूटेशन विल बी will be on alleles located, mutation will be in alleles located 11th chromosome. ये होगा ना बेटा? ठीक है ना? If alpha chain formation If alpha chain formation decreases, it results alpha thalassemia. What is this? And mutation will be
in alleys located on लिख सकते हो 16th क्रोमोसोम. ठीक है बेटा, तो वन विल बी अल्फा एंड सेकंड विल बी अ बीटा. ठीक है बेटा, अब मुझे पता व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया. अगर आपसे कोई पूछेगा डिफरेंस मुझे बता, तो डिफरेंस आप लिख सकते हो. एक दो पॉइंट्स पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पे. ये नहीं लिखा, ये लिखो आप. तो डिफरेंस क्या है इन दो में मुझे बता. अगर आपसे कोई पूछेगा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस है, यहां पे आप याद रखोगे यहां पे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है. ये भी लिख सकते हो हीमोग्लोबिन फॉर्म, इजंट इट, क्योंकि बीटा चेन तो उसी की है ना. यहां पे क्या है, लेस एच बी फॉर्म्ड, लेस एच बी फॉर्म्ड. यहां पे सेल शेप चेंज हो जाती है, सेल शेप चेंज. यहां पे नो चेंज, यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे कोई डिग्रीज इंक्रीज नहीं होता है. तो यहां पे कौन सी इनहेरिटेंस है, ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस. अब ये कौन सी होती है, इसमें क्वांटिटी पे डिपेंड है ना, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है. ये पॉइंट ऑफ याद रखो, ठीक है ना. ये डिफरेंसेस है किसके बीच में, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बीच में. हाँ वही एनेमिक होता ना भाई, तो एनेमिक जो होता है उसको क्योर भी तो कर पाता है ना. एक होता ना किसी में हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, हम बोलते हैं उसको आयरन ज्यादा खाओ, क्योंकि आयरन उसमें में भी आयरन की डिफरेंस, क्योंकि हीमोग्लोबिन सेंटर में उसको क्या होता है आयरन होता है और साइड से चेंज चार होती है. अब किसी में आयरन की कंसंट्रेशन कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हम उसको बोलते हैं आयरन खावा. एक होता है वो नॉर्मल बंदा होता है, उसको डिफरेंस होगी आयरन. दूसरा होता है कि कोई बंदा ऐसा आपको मिलेगा